सबसे ज़्यादा कॉमन फेयर तो ये है कि वो दांत निकाले बगैर अपना ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो देखिए, हर केस में तो ऐसा नहीं होता कि हम दांत निकाले बगैर करें। अगर क्राउडिंग का केस है तो उसमें एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कंपलसरी होता है। फिर हमारे पेशेंट्स का ये फियर होता है कि दांत निकालने से जो है इसके आँखों पर तो कोई असरात नहीं आएंगे, और दांत अगर आप निकाल देंगे तो वहाँ एक खाली जगह रह जाएगी। तो फिर हम पेशेंट को समझा रहे होते हैं कि दांत निकालने का जो मकसद ये है वो ये है कि हम स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं, और उस स्पेस पर फिर दांतों को हम सीधा भी कर रहे होते हैं। और ये भी समझाते हैं कि दांतों का कोई ताल्लुक जो है वो किसी भी नर्व से नहीं है जो आंखों से जुड़ती हो, तो इससे आंखों पे कोई असरात नहीं आते इसके भी दांतों के एक्सट्रैक्शन। बिल्कुल, देखें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती हैं, वो किसी भी ट्रीटमेंट के साथ थोड़ी बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो हम पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस भी फैला देते हैं कि देखें ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो घर पे भी इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तो पहले से ही एजुकेट कर देते हैं पेशेंट को कि अगर वायर चुभेगी तो उसके क्या करना है, और अगर कोई ब्रैकेट का हुक वगैरह चुभेगा तो उसके लिए जैसे हम एक वैक्स या मोम दे देते हैं, तो साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको किस तरह से एड्रेस। हाँ, ये भी होता है। तो देखें, इसका भी हम यही बता रहे होते हैं कि एक ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, बेशक 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपकी एस्थेटिक्स इंप्रूव हो रही है, तो उसके लिए फिर पेशेंट के सारी जिंदगी के लिए आप फिर एंजॉय करते हैं इसको। तो ये टेम्परेरी थोड़ा सा तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो ये भी फिर हमें उन्हें पूरा इन्फॉर्म करना होता है कि क्या चीज़ें आपको खानी होगी और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी। अब हर चीज़ तो नहीं खा सकते, लाइक आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा सकते, सख्त चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। और किस तरह से आपको अगर फ्रूट्स वगैरह भी खाने हैं तो बाइट साइज में कट करके खाने होंगे, तो ये सब भी हमें उनको एजुकेट करना पड़ता है। बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, जैसे मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की, तो जो सख्त वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल की बात करें, तो हम ये नहीं कहते कि एप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना आपने, बल्कि ये कि छोटे बाइट साइज में काट के खाएंगे आप। थोड़ा सॉफ्ट डाइट की तरफ चले जाएं, अगर बिल्कुल भी नहीं खाया पिया जा रहा तो फिर हम स्मूदीज या शेक्स की तरफ चले जाते हैं, इस तरह से। और स्टिकी फूड को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें आपका ब्रेड, पिज्ज़ास, बर्गर्स वगैरह होते हैं, वो भी अवॉइड करें।